हम गांव से भले निकल जाते हैं, पर गांव कभी हमारे दिल से नहीं निकल पाता, और ना ही गांव समाज को माटी से बांध के रखने वाला ये छठ पूजा। उजे के रवाजे फरेला गवद से। वो दशहरा दिवाली उतने मायने नहीं रखता जितना कि छठ पूजा। एक बिहारी दुनिया में कहीं भी रहे पर छठ में घर जरूर आना चाहता है। जानते हैं साहब, जब हमारे घर पे ना नए का कैलेंडर आता है ना, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि छठ पूजा कब है, और लाल पेन से उस तारीख को गोल घेर देते हैं, और सचो पूरा साल उस तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस आधुनिकता के दौर में जहाँ हमें एक दिन का उपवास रखने में हालत खराब हो जाता है, वहीं हमारी माताएं 2 दिन का निर्लज उपवास रखती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि छठ हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, हमारा फीलिंग और हमारा इमोशन भी है, हमारे बिहारी का आइडेंटिफिकेशन भी है। कार्तिक महीना चढ़ते ही धान की बालियों की सरसराहट ये बताने लगती है कि छठ पूजा आने वाला है। खेतों की पगडंडियों पर हल्की हल्की ओस की बूंदे और बदलती मौसम की सुगबुगाहट ये बताने लगती है कि छठ पूजा आने वाला है। ट्रेन की डब्बों में घर लौट रहे परदेशियों की भीड़ और ब्लैक टिकट्स की मारामारी, इन सारी समस्याएं मिलकर भी हमें छठ में घर लौटने से कहाँ रोक पाती है साहब। अरे, ये छठ पूजा की अहमियत जरा जाकर उनसे पूछिए जो मजबूरी बस अपने घर समाज को गांव पर छोड़कर परदेसी हो गए हैं। अपने छुट्टी का एक एक दिन बचा के 4 महीना पहले से वो टिकट कटा लेते हैं कि कम चलो नहाए खाए के दिन तो टाइम पे घर पे पहुंच जाएंगे। दिवाली बीतते ही पूरा मार्केट सज संवर कर दुल्हन जैसा तैयार हो जाता है। दौरा, कोसी, दियरी और कलसुप से भरा बाजार देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है बताया नहीं जा सकता, और छठ घाट तो ऐसा लगता है जैसे कोई बारात आया हो। जानते हैं साहब, कि छठ पूजा हम बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, हमारी बेटी का ब्याह जैसा होता है। पहला अर्घ के जगमगाहट के बाद दूसरा अर्घ का सूनापन और सुबह सुबह घाटों का फीका पड़ा रौनक इस बात का एहसास दिलाता है कि मानो हम अपनी बेटी को विदा करके घर लौट रहे हों। डोम समाज के द्वारा बनाया गया वो बांस का सामान जो समाज के हर तबके के लोगों के सर का ताज बना दे, यही तो है छठ। एक रुई के छोटे दुकानदार से लेकर फल फलहार के बड़े बड़े कारोबारियों को भी जो इस मंदी में खुशियों के दिए जला दे, यही तो है छठ। और दूर कहीं गांव में रहने वाले दोस्तों को फिर से छठ घाट पर वर्तीन लोगों को चाय पिलाकर जो पास बुला दे, वही तो है छठ। केवल माँ की ममता ही नहीं, बल्कि दौरा ले जा रहे उस पिता के वर्त के भी पीछे अपने पुत्र और परिवार के सुख और समृद्धि का जो एहसास करा दे, यही तो है छठ। क्या छठ ना जाने एक साथ कई एहसासों को जिंदा कर हमें वापस अपनी मिट्टी की ओर खींच लाता है। पर तकलीफ तो तब होती है साहब, जब सब कुछ जानते हुए भी कोट पैंट वाले बड़का साहब छठ में छुट्टी देने में आनाकानी करते हैं। 30 दिन का प्रोजेक्ट 20 दिन में कंप्लीट करोगे तभी मिलेगी छुट्टी, घर पर जाकर ऑनलाइन अवेलेबल रहोगे तभी मिलेगी छुट्टी, और अंत में यह कहकर छोड़ देते हैं कि ठेकुआ लेते आओगे तभी मिलेगी छुट्टी। तो बिहारी को तो आप जानते ही हैं साहब, छठ के लिए सब कुछ करता है और करेगा भी। खैर, हम तो आ गए, अब आप कब आ रहे हैं अपने गाँव की ओर, अपने शहर की ओर, अपने मिट्टी की ओर, अपने देश की ओर? आइए ना, पापा, मम्मी, दोस्त, भैया, भौजी, चाचा, चाची सब आपको बुला रहे हैं, छठ घाट आपको बुला रहा है, छठी मैया आपको बुला रही हैं। बाधाएं तो आती हैं और आएंगी भी हजार, और हमें उम्मीद है आप जरूर आइएगा छठ में इस बार। जय छठी मैया। फिर सब छठी मैया बरत तोहार, मैया बरत तोहार, जोड़े जोड़े सुपवा सजवली, होई है अदित सहाय, होई है अदित सहाय।